ब्लैक हेड एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल और डेड सेल्स जमा हो जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्लैक हेड या वाइट हेड बन जाते हैं। ये ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा होते हैं। ब्लैक हेड्स डर्ट या गंदगी, तो कुछ लोग जब कि ऐसा सोचते हैं ये गंदगी से होते हैं, एक्चुअली हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो उसमें जो डेड सेल्स होते हैं, अगर वो पोर्स के अंदर जो डेड सेल्स ऑक्सीजन के साथ मिल जाएं तो ब्लैक हेड या वाइट हेड बनते हैं। जब पोर्स ओपन होते हैं तो वो ब्लैक हेड बन जाते हैं, जब हमारी स्किन के पोर्स बंद होते हैं तो फिर वाइट हेड, उनको फिर वाइट हेड कहा जाता है जो उनके अंदर डेड सेल्स या फॉलिकल्स जो उनके अंदर रह जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर ब्लैक हेड वाली जगह पे बैक्टीरिया चले जाएं तो एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है। गाइस, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस, या हम जोर से ज़्यादा जब मेकअप यूज़ करते हैं तो रात को बिना उतारे सो जाते हैं तो फिर डेड सेल्स बन जाते हैं, या सिगरेट स्मोक ज़्यादा करते हैं, तो कुछ अलग अलग कारण है इसके। फ्रेंड्स, ब्लैक हेड रिमूव करने से पहले इफेक्टेड एरिया में गर्म पानी में एक टॉवल डिप करके उस एरिया में हल्की सी स्टीम दे, 2 से 3 मिनट तक स्टीम दे, ताकि पोर्स जो है वो ओपन हो जाए और हमारा जो प्रोसीजर ब्लैक हेड्स रिमूव करने का जो प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो, डीपली जाके ब्लैक हेड्स रिमूव कर सके। अब शुरू करते हैं हमारा पहला मेथड। 1 टीस्पून हनी में 1 टीस्पून गर्म दूध मिक्स करें और इफेक्टेड एरिया में लगाएं, 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। फिर उसके बाद अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के उस एरिया में स्क्रबिंग जैसे मसाज करें और पानी से धो दें, अच्छा रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है 1 चम्मच जेलेटिन पाउडर, आधा टीस्पून चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर और 2 टीस्पून गर्म पानी। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। फ्रेंड्स, जेलेटिन भी आम मार्केट में मिल जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर जो है वो अमेजोन या किसी भी साइट से आप मंगवा सकते हैं, इजीली मिल जाता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इन चीज़ों को मिक्स करके तीनों को पैक सा बना के, जेलेटिन जमना शुरू हो जाता है इसलिए जल्दी जल्दी में करना है, पैक बना के इफेक्टेड एरिया में लगाएं, 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें, फिर उसको पील ऑफ कर दें। चारकोल हमारी स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट होकर अच्छी से डीपली डर्ट निकालता है। थर्ड है एग वाइट मास्क। जिन लोगों को अंडे से कोई परहेज नहीं है वो एग का वाइट पार्ट लें, 1 चम्मच वाइट पार्ट लें, उसमें 1/2 स्पून वो मिला दें, हनी मिला दें और उसमें अच्छे से पैक बना के लगाएं, फिर पील ऑफ कर दें स्किन को। इसका दूसरा मेथड है लगाने का, पहले एग वाइट की कोटिंग करें नोज़ पे, उसके ऊपर फिर एक टिश्यू पेपर का पीस काट के नोज़ के ऊपर या इफेक्टेड एरिया में लगा दें, फिर एक और कोटिंग करें, फिर आफ्टर 20 मिनट्स इसको पील ऑफ कर दें, सारी डर्ट टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट है टूथपेस्ट लें और ब्रश में लगा के चुटकी भर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के नोज़ पे या जो भी इफेक्टेड एरिया है उस पर अच्छे से मसाज करें, काफ़ी रिजल्ट अच्छा आएगा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर में 2-4 ड्रॉप्स नींबू की डालें और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इफेक्टेड एरिया में अच्छे से स्क्रब करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, हफ्ते में 2 या 3 बार। गाइस, कोई भी मेथड यूज़ करें इसको 2 या 3 बार ज़रूर करें, तभी अच्छे से वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स निकलेंगे। नेक्स्ट है बेंटोनाइट क्ले मास्क। बेंटोनाइट क्ले जो है वो स्किन को का एक्सेस ऑयल डर्ट अंदर से अब्जॉर्ब करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, ये इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ये इजीली अमेजोन में अवेलेबल। ये वोल्केनो की ऐश से बनती है, ये मेडिसन्स में भी यूज़ होती है, इसको ओरली भी लिया जा सकता है। 1 चम्मच क्ले लेके 1 चम्मच गर्म पानी लें और उसका पैक बना के अब इफेक्टेड एरिया में लगाएं, 20 मिनट्स तक लगा रहने दें, फिर अच्छे से धो दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स, सारे मेथड बहुत इफेक्टिव हैं, आपको जो अच्छा लगता है यूज़ करें, जो इजीली अवेलेबल है यूज़ करें और मुझे कमेंट में बताएं कैसे लगे। थैंक यू, गुड बाय।